वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी मॉर्फोलॉजी तकरीबन 2 साल पहले 1% थी। उस वक्त उनको डॉक्टर ने IVF सजेस्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, जो भी उनके डिफरेंट रीजंस होंगे। उसके बाद अब वो मेरी टिकटॉक पर वीडियोस देख के अब मेरे पास आए थे, और अब जब मैंने उनका देखा है 1% मॉर्फोलॉजी, तो मैंने उनका टेस्ट रिपीट करवाया है। हालांकि मुझे काफ़ी हद तक, बस अल्लाह ना करे मेरी बात सही हो, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि अब मॉर्फोलॉजी 0% हो चुकी होगी। जब मॉर्फोलॉजी 0% हो जाती है तो हम ICSI भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं अभी उनको इतनी जल्दी बैड न्यूज़ देना नहीं चाह रही थी। मैंने उनसे यही कहा कि आप एक रिपीट करा लें, क्योंकि हो सकता है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करने वाला है, हो सकता है अल्लाह ताला ने अभी वो 1% को मेंटेन रखा हो, तो हम मॉर्फोलॉजी के साथ हम ICSI कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको किसी डॉक्टर ने IVF कह दिया है, आपको वो डॉक्टर पसंद नहीं आया, या उसका IVF सजेस्ट करना पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ आप सेकंड ओपिनियन लें, आप दूसरे डॉक्टर्स को दिखाएं। लेकिन प्लीज़, इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। डिफरेंट ओपिनियंस लें ताकि आप फ़ौरन डिसीजन ले सकें। अब देखें, वो 2 साल बाद आए हैं, यंग कपल है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती ना, अल्लाह ना करे अगर 0% आती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो लोग इस तरह से घूम रहे हैं ना, उनको समझ आए। थैंक यू सो मच।